वंस अगेन गुड डे स्टूडेंट्स। आज से मैंने रेगुलर बेसिस पे आप लोग के डायरेक्ट कांटेक्ट में बने रहने के लिए, टीचर टॉट के बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होने के लिए, मैंने एक टॉपिक बॉटनी में टॉपिक बेस्ड जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एक सीरीज स्टार्ट किया है आज से। आज संडे का दिन है, 25 अगस्त का दिन है, और आज से मैंने स्टार्ट किया है कि एनसीईआरटी की लाइनों को बॉटनी में कैसे आपको समझा जाए जिससे कि आप हमेशा उसको याद रखें और आपके उससे बहुत सारे सवाल जो नीट में भी आएंगे आ चुके हैं है ना, उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले। एनसीईआरटी की लाइनों को समझना बच्चा किसी भी स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है और किसी टीचर के लिए भी आसान नहीं है। टीचर को भी उन लाइनों को खूब ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जब वो क्लास में जाता है बच्चों से डिस्कस करता है तब जाके वो उन लाइनों को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ पाता है। ऐसे ही कुछ लाइनें है ना जो है टीचिंग के दौरान मेरे सामने कई बार आई हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन लाइनों को एक जो है 3 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से मैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट करूं, और उनमें से जो है आज के जो 3 क्वेश्चन हैं उसमें पहला क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से है, बॉटनी का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चा किंगडम पोडेस्टा जब आप पढ़ते हैं तो किंगडम पोडेस्टा में आपको मिलेगा कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, किंगडम पोडेस्टा के लिए। तो ये नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम ऐसा क्यों लिखा हुआ है उसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी चीज है, हालांकि एनसीईआरटी में भी समझाया गया होगा कि नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इसलिए कह रहा है क्योंकि विटेकर ने किंगडम पोडेस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जो सिंगल सेल यूकेरियोट्स थे, और उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आ गए जो कंट्रोवर्शियल थे जैसे कि स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के अंदर जो है तीन तीन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, प्लांट लाइक प्रॉपर्टी, उसके स्पोर में सेल्युलोसिक सेल वॉल का होना, एनिमल लाइक प्रॉपर्टी, उसके वेजिटेटिव स्टेज में जो है सेल वॉल का ना होना है ना, और जिसको हम कहते हैं कि पेरिप्लास्ट होता है आउटर कवरिंग को, या पेलिकल कह सकते हो। उसी तरह से फंगस लाइक प्रॉपर्टी, उसकी सेक्सुअल स्टेज में, रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्रूटिंग बॉडीज का बनना, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल यूकेरियोट स्लाइम मोल्ड, लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज तीन जो है पाई जा रही हैं ऑर्गेनिज्म की, तीन अलग अलग किंगडम की पाई जा रही हैं, और इसीलिए ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेसमेंट हो गया किंगडम पोडेस्टा का। दूसरा एग्जाम्पल यूग्लिना का है, यूग्लिना में प्लांट लाइक करेक्टर है और एनिमल लाइक करेक्टर है, आप जानते हैं कि इसको कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। प्लांट लाइक करेक्टर किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्लास्टिड मतलब, और एनिमल लाइक करेक्टर किसमें सेल वॉल नहीं होता, जहां भी सेल वॉल नहीं है वो एनिमल ही होगा है ना, डेफिनेटली ऐसा हम मानते हैं बायोलॉजी में नीट में। सो ये यूग्लिना भी किंगडम पोडेस्टा में विटेकर ने रख दिया, तो यूग्लिना हो गया ठीक है। इसके अलावा जो है स्लाइम मोल्ड हो गया है ना, और इसके साथ साथ उन्होंने सिंगल सेल्ड जो मोटाइल फ्लैजेलेटेड जो एल्गी थे ग्रीन एल्गी, उनको भी विटेकर ने किंगडम पोडेस्टा में ही जगह दिया, हालांकि हम उनकी स्टडी नहीं करते हैं, हम उनकी स्टडी कहाँ करते हैं, एल्गी के साथ किंगडम प्लांटी में करते हैं। तो इसीलिए जो है ये किंगडम पोडेस्टा की है ना वेल डिफाइंड बाउंड्रीज को नहीं बताया गया, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, और तीसरा सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा जिस पे आप विचार करेंगे, कमेंट्स करेंगे और उसमें अपने आंसर लिखेंगे, ताकि उसके हम अगले लेक्चर में उस पर और डिटेल से स्टडी और डिस्क कर पाए है ना। दूसरा सवाल है कि आपको किंगडम मोनरा में मिलेगा कि बैक्टीरिया सो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये लाइन मुझसे अक्सर बच्चे पूछने आते हैं कि सर ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्यों लिख रहा है। और यकीन मानो शुरू शुरू में तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यार मैं इसको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मैं ये कह दूं कि बैक्टीरिया में सब कुछ होता है जो यूकेरियोट में होता है, तो कुछ मतलब सेटिस्फाई नहीं लग रहा था बच्चों को। फिर मैंने इस पे और रिसर्च किया और फिर जो है जा करके अपन लेक्चर में देते हैं और बताते हैं कि बैक्टीरिया सो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसको आप इस तरीके से समझिए कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन के बहुत सारे, जैसे ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनरोब, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनरोब, रेस्पिरेशन के कई सारे टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन में वो फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी जो है आपके जो है ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक में भी लीथो और ऑर्गेनो है ना, इसके अलावा जो है हेटरोट्रॉफिक तो होता ही होता है मेजोरिटी में। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मतलब इन कई रिस्पेक्ट में जो है
उसको जो इसकी मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही वैरायटी रखती है एज कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म। सो इस लाइन का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया सो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब तीसरी बात जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये सेल डिवीजन से है, माइटोसिस के कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस में आपको एक लाइन मिलेगी और वो लाइन है कि इट माइटोसिस डिवीजन मेंटेन्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो इसका क्या मतलब है इस पे अपने कमेंट्स दीजिए। और ये तीसरा सवाल है जिसको हम अगले अपने वीडियो में यानी कि कल इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज के सवाल ये तीन एनसीईआरटी लाइंस के खत्म होते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू माय ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।